कि इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको, ताकि ये जो नौजवान बच्चे हैं जो 21-22 साल 25 साल के हैं, ये जो मासूम बच्चे आज 14-15 साल की उम्र में ये बैठे हुए हैं, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करना है तो मजलिस को मजबूत करो। तुम असदुद्दीन ओवैसी को, इम्तियाज जलील को, अख्तर उल ईमान को मजबूत मत करो, तुम मजलिस को मजबूत करो। अरे हम मिट जाएंगे, इस जमीन की गिजा बन जाएंगे, मगर मुस्तकबिल तुम्हारा है। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी ऐनी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। कब तक तुम इन लोगों के पीछे गुलामी करोगे? अरे जब राष्ट्रीय कांग्रेस वाले अजीत पवार नेता बन सकता है, सुप्रिया सुले नेता बन सकती है, उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस शिंदे नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। मुत्तहिद हो, वोट डालो, नेता बनो।